एस्पायर स्टडी कानपुर, मैं शिवम गुप्ता। आपको जैसा पता होगा कि आज से काउंसलिंग शुरू होने वाली है, ठीक है। और काउंसलिंग का थोड़ा सा प्रोसीजर ऐसा होता है कि आपको ज्यादा केयर करने की जरूरत होती है। अगर वहां पे आप थोड़ी सी भी मिस्टेक कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उस प्रॉब्लम के लिए ज्यादा बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ओके, तो कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए। तो काउंसलिंग आपकी निमसेट की होनी है और आपको वो स्टार्ट हो जाएगी आज से। और उसके जो राउंड है वो आपको दिए गए हैं कि किस राउंड के बाद क्या राउंड होना है, और डेट भी उनकी आपको दी गई है। ओके, वो आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा और या फिर निमसेट की वेबसाइट से मिल जाएगा। सबसे अच्छा आप किसी भी वेबसाइट पे ना जाएं, निमसेट की वेबसाइट पे जाएं और वहां पर आप देखेंगे तो आपको डेट शेड्यूल पूरा दिया हुआ है। तो हम आपको बताते हैं पूरी बात कि आपकी काउंसलिंग कैसे होनी है और आपको किस तरीके से काउंसलिंग कराना है। ओके, तो सबसे पहले आज जो है वो आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। तो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने में क्या होता है कि आपको कॉलेजेस जो है वो चूज करने पड़ते हैं, सेलेक्ट करने पड़ते हैं, फिर उनको वहां पे सबमिट करना पड़ता है। ओके, तो उन कॉलेज को सेलेक्ट करने समय एक चीज बहुत ही जरूरी याद रखनी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी चीज को आप ध्यान से सुने। उसमें आपको क्या करना है, आपको कॉलेज जो है उसी ऑर्डर में आपको फिल करने हैं जिस ऑर्डर में आपको चाहिए। ओके, मान लेते हैं कि आपको, अगर मान लेते हैं आपकी रैंक 500 है और आपको चाहिए वहां पे कौन सा, MNIT इलाहाबाद, ठीक है, और MNIT इलाहाबाद चाहिए, लेकिन MNIT इलाहाबाद नहीं मिलेगा इतनी रैंक में, तुम्हें मिल रहा है कुरुक्षेत्र। और आपने क्या किया कि पहले भर दिया कुरुक्षेत्र और फिर भर दिया MNIT इलाहाबाद, तो आपको अगर कुरुक्षेत्र अलॉट हो चुका है तो फिर MNIT इलाहाबाद नहीं मिलेगा कैसे भी, किसी भी हालत में। कहने का मतलब ये है कि पहले आप अच्छे कॉलेजेस भरें, उसके बाद में जैसे जैसे उनकी रैंकिंग कम होती है उसी हिसाब से कॉलेज भरें, तभी आपको सही रहेगा। अदरवाइज आपने कोई अच्छा कॉलेज बाद में भरा और उससे मतलब जो बाद की रैंक का कॉलेज है वो पहले भर दिया और पहले वाला अलॉट हो गया, तो आपको वही कॉलेज मिल जाएगा। ओके, और अगर एक बार कॉलेज अलॉट होता है फिर उसका चेंजमेंट होना पॉसिबल नहीं है, किसी भी तरीके से चेंज नहीं होगा। तो ये तो पहली जरूरी बात आपके लिए थी, तो ये आप समझ गए होंगे कि आपको हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। दूसरी जरूरी बात यह है कि आप जब भी वहां पर कॉलेज फिल करें तो आप अपने हिसाब से फिल करें जो आपको अच्छे लगते हैं कॉलेज। ओके, जैसे होता क्या है कि किसी किसी के घर के पास है, जैसे मान लो किसी की रैंक अच्छी भी आती है लेकिन वो NIT त्रिची ना जाकर के MNIT इलाहाबाद जाता है, तो आप उसको उस हिसाब से भरें। ओके, तो जैसे भी आपको कॉलेज चाहिए उस हिसाब से फिल करने हैं। तो होगा क्या कि आप जब अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में वहां पर ऑप्शन आएगा कि किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। आप रैंकिंग जरूर याद रखें, रैंकिंग का मतलब उनका ऑर्डर जरूर याद रखें, ठीक है। ऑर्डर में अगर आपने गड़बड़ कर दी तो वहां पर फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गई। दूसरी बात क्या है कि जब आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा नियरेस्ट NIT में, जो आपके पास में NIT है, और कोई भी NIT नहीं, जो NIT NIMCET में पार्टिसिपेट करती हैं, 11 NIT, उन NITs में तुम्हें जाना होगा, वहां पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको फी पेमेंट करनी होगी 10,000 रुपए की। ओके, आई थिंक 10,000 रुपए की है, ठीक है। तो 10,000 रुपए जब आप पेमेंट करेंगे, उस पेमेंट की स्लिप, आपके डॉक्यूमेंट, OBC सर्टिफिकेट और जो जो चीजें हैं आपको, वो आपको वहां पर ले जानी होंगी और वहां पे सबमिट करनी होंगी। ओके, दिखानी होंगी उनको। तो ये तो वेरिफिकेशन का काम हुआ। वेरिफिकेशन के बाद में आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप सीट को बुक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं अपनी सीट, मतलब आप ले सकते हैं, या दूसरा काम कर सकते हैं उसको अपग्रेडेशन पे लगा सकते हैं, ठीक है। अपग्रेडेशन क्या होता है इस चीज को भी समझते हैं। अपग्रेडेशन का मतलब ये है कि आपने मान लो आपको चाहिए MNIT इलाहाबाद, और MNIT इलाहाबाद के आपने भरा था बाद में भोपाल, आपको भोपाल मिल गया, ठीक है, लेकिन नहीं, आप सोचते हैं कि शायद MNIT इलाहाबाद मिल जाए, तो अगर अपग्रेड करते हैं तो जो आपने ऊपर कॉलेज फिल किया है वो आपको मिल सकता है अपग्रेडेशन से, ठीक है। आप इसमें बिल्कुल ना डरें कि आपको कॉलेज मिल गया है, अलॉट हो गया और अपग्रेडेशन लगाएंगे तो आपका वो कॉलेज चला जाएगा जो पहले है, वो आपकी सीट सिक्योर है। अगर अपग्रेड नहीं होगा, MNIT नहीं मिलेगा, तो भोपाल तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा होगा, उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, अपग्रेडेशन लगा सकते हैं, तो मतलब 3 राउंड तक आप अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो अपग्रेडेशन में अगर इम्प्रूवमेंट होता है होता है, नहीं तो आपको वो मिल जाएगा। ओके, इसके बाद जो आपका फाइनल राउंड आता है वो आता है स्पॉट काउंसलिंग का। ओके, स्पॉट काउंसलिंग में ऐसा होता है कि अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है या पर वहां पर
जो आपको मिला है उससे आप सेटिस्फाई नहीं है, आपको अच्छा ही कॉलेज चाहिए, तो आपको वो सीट सरेंडर करनी होती है। सरेंडर करने के बाद में आप स्पॉट काउंसलिंग के लिए जाते हैं। स्पॉट काउंसलिंग में थोड़ी सी स्टूडेंट को रिस्क रहती है, थोड़ी सी क्या बहुत ज्यादा ही रिस्क रहती है, कि स्पॉट राउंड काउंसलिंग का मतलब है कि जिस भी कॉलेज में जो सीट खाली बची है उस सीट पर आप एडमिशन लेने जाएंगे। ओके, तो वो भी रैंक के हिसाब से मिलता है। अब मान लो तो है कि आपने कर दिया लेकिन वहां पर सीट कोई खाली नहीं बची और आपने सरेंडर कर दी सीट, ओके, तो अब प्रॉब्लम आ जाएगी कि आप कहां पर सीट लेंगे, या फिर ऐसा हुआ कि सीट खाली भी बच गई जो आपने सरेंडर की है, ठीक है, और खाली भी बच गई लेकिन आपकी रैंक 252 है और 251 वाला भी वहां पहुंच गया या 250 वाला भी पहुंच गया, तो स्पॉट काउंसलिंग में पहले उसको एडमिशन मिलेगा बाद में उसको। तो स्पॉट के लिए आप तभी रिस्क लें जब आपकी रैंक बहुत ज्यादा हो, जैसे मान लो 900 है, 1000 है, 1000 है, 2000 है, मतलब ऐसे है, तो आप स्पॉट के लिए वहां पर करें, ठीक है, और फिर आप सीट छोड़ करके आप स्पॉट के लिए जाएं, हो सकता है आपको मिल जाए। ओके, तो ये तो सारा काउंसलिंग का प्रोसीजर है, तो इसमें सारी बातें आपको याद रखनी है। आप अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लीजिए सारे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं आपको, एक डॉक्यूमेंट आपके सारे डिग्रीज होनी चाहिए, ठीक है, कॉलेज का होना चाहिए, कॉलेज का हमने आपको बताया था पहले भी जब निमसेट का फॉर्म बताया था, अगर आप अपेयरिंग में हैं तो कॉलेज से एक सर्टिफिकेट बनवाना है, उस पर आपकी मोहर कॉलेज के प्रिंसिपल की या किसी की भी लगवानी है कि हाँ आप अपेयरिंग में हैं, ओके, और अगर आपका नेट रिजल्ट आ चुका है नेट कॉपी का तो वो रिजल्ट भी ले जाएं, और अगर नहीं आया है तो आप वो कॉलेज का जरूर ले जाएं अपेयरिंग का, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरी बात, आपका ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, तो वो भी आप वहां पर ले जाएं, और वो 1 अप्रैल 2018 के बाद का बना होना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी ये डॉक्यूमेंट जरूर होने चाहिए, मार्कशीट, ओबीसी सर्टिफिकेट और कॉलेज का अपेयरिंग। जो लोग पास हो चुके हैं उनको अपेयरिंग सर्टिफिकेट ले जाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई, तो इतना तो आपके समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप निमसेट की वेबसाइट पे जाएं, वहां पर आप अप्लाई करेंगे, अभी वहां पर प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे ही स्टार्ट होगा तो वहां पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। उन्होंने लिख रखा है कि उनका जो मॉड्यूल है काउंसलिंग का वो अभी डेवलप नहीं हो पाया है, थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो कोई बात नहीं, वो लोग करें, ठीक है। तो ये तो आपका काउंसलिंग का प्रोसीजर है। आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो आप हमारे नंबर पे 8400072444 या फिर 7007286637 इस पे आप कांटेक्ट करें, तो हम आपको बता देंगे कि आपको क्या करना चाहिए, कहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है। वैसे अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे, इसको फिर से एक बार देख लेंगे, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये तो चीज रही इसकी। बात करते हैं आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, DU और पुणे यूनिवर्सिटी के लिए हमने बताया था कि यहाँ पर हमने कोर्स चलाया हुआ है, ठीक है। तो DU और पुणे यूनिवर्सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों का निमसेट में अच्छा सिलेक्शन नहीं हो पाया है या किसी कारणवश अच्छी रैंक नहीं आ पाई है, ओके, तो वो आप हमारे अन अकेडमी के, हमने अगर फिर से बताया आपको पहले से, हम पहले दिन से बताते आ रहे हैं, जिस दिन आपका निमसेट का एग्जाम था हमने कहा था कि आप अन अकेडमी के देख लीजिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिली। बच्चों का हमने यहाँ पर इंटरव्यू भी डाला था, उन्होंने जो हमें नोट्स भेजे थे वो भी बताए थे, तो हर बच्चे ने उसमें ये लिखा है कि अन अकेडमी के वीडियोज बहुत ही आपके हेल्पफुल हुए, ओके। तो आप अन अकेडमी के देख लीजिए सभी वीडियो, चाहे वो DU के लिए हो चाहे वो पुणे यूनिवर्सिटी के लिए हो। बाकी जो हमारा DU का क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है, आज से उसके लिंक मिलना शुरू हो जाएंगे रात से, ठीक है। तो ये तो सारी चीजें हो गई, तो वहां पर स्टार्ट कर दीजिए, ओके। तो और हमारे यहाँ पर एडमिशन भी स्टार्ट हो चुके हैं, आपको अगर एडमिशन लेना है, आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, तो आप जल्दी एडमिशन ले लें, क्योंकि देरी ना करें, बिल्कुल भी देरी करने में कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, और अगर आप मैथ में वीक हैं, बहुत ही ज्यादा वीक हैं, तब तो बिल्कुल भी देर ना करें, ओके। तो जल्दी से आप इसके लिए भी अप्लाई कर दें, रजिस्ट्रेशन कर दें। 50 स्टूडेंट हमारा टारगेट है, 50 स्टूडेंट के बाद हम एडमिशन नहीं लेंगे, केवल और केवल टारगेट है 50 स्टूडेंट का, ओके। तो आप 50 स्टूडेंट से पहले वहां पर अप्लाई कर दीजिए और सेंटर पे ले लीजिए। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट के फोन आए कि हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है या फिर नहीं है, तो हॉस्टल भी यहाँ मिल जाते हैं कानपुर में, रूम भी मिल जाते हैं, जैसा आपको उचित लगेगा। हॉस्टल का रेंट 4500 से 5000 के रुपए के बीच में है, और जो रेंट है कमरे का, अगर कमरा लेते हैं आप, तो आपका किराया जो है वो 3000 रुपए या 2500 रुपए, जैसा भी आप अच्छा पसंद करें, ठीक है। तो उसमें आप दो लोग शेयर करेंगे तो 1200 से 1500 रुपए के बीच में पड़ेगा, मैक्सिमम हार्डली अगर पड़ेगा तो 1500-1600 एक पर बच्चे पर, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पर अवेलेबल है। दूसरी बात, रिजल्ट की बात, की
क्या क्या रिजल्ट लोग इस समय दिखा रहे हैं और कैसे कैसे रिजल्ट बता रहे हैं कि हमारा रिजल्ट इस तरीके से आया, ठीक है। तो उसमें अगर चार पांच रिजल्ट दिखा के उसमें मैनी मोर लिखा जाता है, तो मैनी मोर एक बहुत ही अच्छा वर्ड हमें लगा और इसको देना चाहिए कि वर्ड ऑफ द 2018, ठीक है। कहीं भी अब रिजल्ट अगर छापे जाते हैं तो मैनी मोर लिखा जाता है। मैनी मोर का मतलब है उसमें जो है 60-70 स्टूडेंट और सेलेक्ट हुए हैं, ये मैनी मोर का मतलब हमें आज तक समझ में आया है, ओके। तो जैसा भी आपको लगता है, ज्यादा कुछ नहीं इस पे कहना चाहेंगे, जैसा भी आप समझते हैं, जो भी चीजें आपको अच्छी लगती हैं तो वो आप करें, कहीं भी एडमिशन लें, कहीं भी पढ़ाई करें। मेनली टारगेट है कि आप फोकस करें अपने सिलेक्शन पर, ओके। आपका सिलेक्शन होना चाहिए, कैसे भी सिलेक्शन होना चाहिए, बस हाँ ये ना है कि भीड़ में आप बैठ जाएं और वहां पर आप पे ध्यान ना दिया जाए, कहीं भी कोई भी ऐसी चीज ना हो। क्योंकि होता क्या है कि आप अगर वीक हैं तो वीक स्टूडेंट पे ध्यान देने वाले इंस्टीट्यूट आपको बहुत ही कम मिलते हैं जो कमजोर बच्चों को आगे ले जाए। अच्छे बच्चों को सब आगे ले जाते हैं, जो अच्छे होते हैं पढ़ने में उनका सिलेक्शन सब लोग आसानी से करवा देते हैं, लेकिन जो वीक बच्चे हैं जिनको मैथ नहीं आती है, जोड़ना घटाना नहीं आता है या फिर अच्छे से नहीं आता, उनका सिलेक्शन बहुत ही डिफिकल्टी से होता है। क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट आते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट के घूमते भटकते टहलते हुए और वो हमें सारी बातें बताते हैं कि सर ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ, तो काफी सुन के बुरा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, दुनिया है, समाज है, वर्ल्ड है, अपने हिसाब से लोग काम करते हैं, वो भी एक उनका तरीका है और ये सारी चीजें हैं, ओके। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में और आपको काउंसलिंग से रिलेटेड और भी चीजें बताएंगे। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जैसे ही होती है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आप काउंसलिंग करवाएं या जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर कमेंट करें, और जो भी आपकी अगर सीट अलॉट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको जब भी जाना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसके सबके रिप्लाई आपको कमेंट में मिलते जाएंगे, ओके। तो जो लोग हमारे यहाँ पर स्टूडेंट हैं पुणे यूनिवर्सिटी और DU के लिए, वो भी याद रखें, जरूर पढ़ते रहें, वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर 10 दिन आपने यूटिलाइज कर लिए तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी और आप बिल्कुल ऊंचाइयों को छूने लगेंगे, क्योंकि ये दोनों ही यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो अपने आप में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और इतनी आसानी से एडमिशन नहीं मिलता है जब तक आप मेहनत नहीं करते, ओके।